तुम लोग कर लो अपनी प्लानिंग, मैं जब चाहूँ She's coming. She's on the way. She'll meet you in the podium. Okay. You can come. You can come. Oh. You'll have to change that. दीपिका जा चुकी थी ओटी में, यहाँ मैं वेट कर रहा था कि मुझे कब बुलाएंगे। मुबारक हो। मैंने बोला था। बाहर आने के बाद कुछ देर जो पेशेंट होता है उसको रिकवरी एरिया में वेट करना पड़ता है, वहाँ पे वो ज़्यादा लोगों को अलाउड नहीं करते। मैं बस मिलके आ गया था, तो उस दौरान मैं नीचे सबसे मिलने आया था, सबको बोलने आया था, सबको बताने आया था, एंड देन ये सब लोग मुझे ऐसे मिठाई इस तरीके से खिलाने लगे। आज थोड़ी चलेगा, आज थोड़ी पूरा 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 अरे थोड़ा थोड़ा आराम आराम से, आराम आराम से। अब अभी तो हां हां लो बैठ, खुशी है, लग रही है, बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है। कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा लगा। बस इंशाल्लाह। That cry is, I think, the best thing that you can hear in your life. सच में। मुझे वो रो रहा था ना इतनी जोर जोर से। मैंने आपको बोला था मेरी gut feeling है क्या है। Hello friends, welcome back to my YouTube channel. तो दोस्तों आज आपके लिए good news के साथ साथ एक bad news भी है, क्योंकि दरअसल आपको मालूम होगा कि दीपिका ने फिलहाल ही में एक baby girl को जन्म दिया, जिसके बाद परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश थे और सभी में मिठाइयाँ भी बांटी जा रही थी। फिलहाल शोएब और दीपिका वेट कर रहे थे अपने बेबी से मिलने का, तो फिलहाल तभी एक बैड न्यूज़ उनको सुनने को मिली। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपके बेबी को ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए उन्हें आईसीयू में रखा जाएगा। तो तभी शोएब और दीपिका ने झट से हाँ कर दी और बेबी को भेज दिया आईसीयू में। बहुत जल्द दीपिका और शोएब अपने बेबी से मिल पाएंगे।